फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेके आए हैं, दम आलू या कश्मीरी दम आलू। फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और बच्चे तो बहुत ही लाइक करते हैं। आलू की सब्जी तो वैसे भी सभी बहुत पसंद करते हैं, आलू सब्जियों का राजा भी है, तो हम क्यों ना अलग अलग स्टाइल से आलू की सब्जी बनाएं। तो आइए दम आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8-9 आलू बॉईल करके रख लिए हैं, छोटे साइज के आलू हैं। फ्रेंड्स, आलू हमें बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करने हैं, थोड़ा टाइट ही रखना है। इसके लिए मैंने जो मसाले लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच सिकावा जीरा, 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1/2 चम्मच पिसी हुई सौंफ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हरा धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच बेसन। इसके लिए मैंने यहाँ 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च भी ली है। इसकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब्जी के लिए खड़े मसाले लिए हैं, 2-3 तेज पत्ते, थोड़ी सी लौंग पिसी हुई, 3-4 लौंग, थोड़ी सी अदरक, हम इसको बारीक कद्दूकस कर लेंगे, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा और 2 कश्मीरी लाल मिर्च। आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू के अंदर हम टूथपिक से इस तरह से छेद कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे आलूओं के अंदर छेद करके इनको तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी आलू तैयार कर लिए हैं। आइए सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए आज सरसों का तेल यूज में लिया है। सरसों के तेल को आप हाई हीट पे गरम कर लें, वरना इसमें स्मेल आती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से इसको तेल को गरम कर लिया है। सबसे पहले हम आलू फ्राई कर लेंगे। जैसे हम पकौड़े तलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें आलू को तल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आलू बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। आइए अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ सब्जी भी सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। मैंने इसमें से एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है, सिर्फ 2 चम्मच तेल इसमें रखा है। सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देंगे, तेल तो गर्म है ही। मैंने देखिए इसमें जीरा डाल दिया है, बड़ी इलायची भी डाल देंगे, लौंग और हींग का पाउडर भी डाल देंगे, तेज पत्ते भी डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च भी। हमने अदरक घिसके रखी हुई है, अदरक भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है। सबसे पहले हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, टमाटर के साथ ही हम बेसन को भी फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसमें बेसन भी डाल दिया है। अब हम बहुत अच्छे से इसको पका लेते हैं। आइए मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। लाल मिर्ची पाउडर, हरा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर एंड कस्तूरी मेथी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। देखिए फ्रेंड्स, मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं, टमाटर और बेसन भी बहुत अच्छे से पक गया है, तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले दही डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप दही लिया है। दही को बहुत अच्छे से हिलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी मसाले, बेसन और दही बहुत अच्छे से पक गया है, जाली पड़ने लग गई है मसाले में, तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे।
बहुत अच्छे से सभी आलू को हम मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक हम आलू को इसी में पकने देंगे। वैसे तो फ्रेंड बॉईल किए हुए आलू हैं, फ्राई किए हुए आलू हैं, पके हुए हैं, पर थोड़ा टेस्ट आने के लिए हम इसको 4 से 5 मिनट तक या ऑलमोस्ट 5 मिनट तक हम इसको मसाले में रहने देंगे। अगर आप इसको ऐसे ही गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स बॉईल हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और 4 से 5 मिनट पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स सब्जी बिल्कुल रेडी है, बॉईल भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया है टेस्ट के लिए। आइए अब अपन इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स दम आलू बिल्कुल रेडी है, हमने सर्व भी कर दिए हैं। अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें। फ्रेंड्स वैसे भी आलू की सब्जी तो एक ऐसी सब्जी है जो सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चों से बड़ों तक। तो आप किसी भी तरीके से बना के खा सकते हैं, इसलिए कभी कुछ स्पेशल रेसिपी हो जाए तो फ्रेंड्स दम आलू ही सही। तो आप टेस्ट करें, ट्राई करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।